इसको मैं एक ऐसी ही बाधा डालने का प्रयास के रूप में देख रहा हूँ, जैसा पीछे 500 साल से राम मंदिर के साथ बाधा, विपदा, विवाद डालने की कोशिश की गई है। अब आप देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने कार सेवकों पे गोलियां भी चलवाई हैं। एक पार्टी है कांग्रेस, जो सुप्रीम कोर्ट तक जाके कही कि राम का अस्तित्व ही नहीं, राम सेतु के अस्तित्व पे भी सवाल उठा दिया। तो उनको तो जो लगातार विरोध करते रहे कि राम मंदिर बने नहीं तुष्टिकरण में, उनको तो आज बड़ी पराजय दिख रही है कि राम जी का मंदिर बन रहा है और देश का हर व्यक्ति मिलके उसको बना रहा है। और तीसरी एक पार्टी आ गई जो अभी अभी कुछ साल पहले आई है, जिसके सांसद एक पन्ना लहराते हैं, जो 10 साल को 10 मिनट बोलते हैं। मैंने इस चीज को बहुत करीबी से समझा हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से भगवान श्री राम मंदिर से हम लोगों की भी आस्था बहुत जुड़ी हुई है, और कोई भी ऐसी विवादास्पद खबर हमें चिंतित करती है। और तुरंत रात होते होते उनका वीडियो भी आ गया। सिंपल सी बात है कि आज के डेट में उस जमीन की कीमत लगभग 28 करोड़ है। अगर सरकार मुआवजा दे के उस जमीन को लेती तो आज 28 करोड़ की होती, जो 18-18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने लिया है। और जो जिनसे लिया है, कोई विवाद नहीं चाहती है अब राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास, क्योंकि ऑलरेडी हम 500 साल विवाद देख चुके हैं। तो हमें जिनसे लिया उनको कहा कि भैया आपका 10 साल पहले एग्रीमेंट हुआ हो, आपका 12 साल पहले एग्रीमेंट हुआ हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें आपका पेपर क्लीन चाहिए। ये राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास का जो मैंने स्टडी किया है उनका उसूल था, और वो होना ही चाहिए कि अब आगे चल के कोई फिर राम जन्मभूमि में एक तो विवाद न खड़ा कर दे कि ये जमीन गलत ली गई, इसलिए फूक फूक के चल रही है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास। और मैं पूरे देश को समीक्षा के बाद बताना चाहता हूँ कि वो जमीन आज की डेट में लगभग 28 करोड़ की है, जो 18.5 करोड़ में लिया गया है। और वो लोग इस पे विवाद उत्पन्न कर रहे हैं जो कभी राम मंदिर बनने नहीं देना चाहते थे। फर्स्ट पार्टी जिसकी जमीन है उसने जो 10-11 साल पहले जो एग्रीमेंट किया होगा उसके आधार पे उनका जो भी सुलहनामा हुआ होगा उन्होंने किया है। तो इसमें हम तो राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, अखिलेश यादव को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको आसपास की और जमीनें इतनी सस्ती मिले तो खरीद के दान कर दीजिए। नहीं कहेंगे तो इतनी सस्ती हो सके तो हम लोग भी चंदा इकट्ठा करके आपको पैसा दे देंगे। हमें राम जन्मभूमि के लिए भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, तो उसके लिए जितनी भी जगह मिल सकती है उसके लिए आवश्यकता है। ये जो 2.5 करोड़ की जमीन 5 मिनट में बोलते हैं ना, यही तो उनका झूठ है। वो 5 मिनट नहीं है, वो 2011 में एग्रीमेंट है उनका। तीर्थ न्यास जमीन लेने के पहले सिर्फ इतना कहता है कि आपकी जमीन क्लीन होनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी क्लीन कराई है उतना देर पहले। तो कोई भी जमीन लेगा तो क्लीन करा के ही लेगा ना। तो एकदम आप समझ लीजिए कि जैसे राम जी के सफर में कई राक्षस बाधा उत्पन्न करते थे, वैसे ही आज राम मंदिर के सफर में, रास्ते में कई राक्षस उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं का ये प्रदर्शन हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।